Good morning students, class 9 subject English grammar. Dear students, today we are going to start comprehension worksheet setting. And today our topic is rise in nulls. Comprehension contains 10 marks in the syllabus beta. So if you want to get 10 marks, then you have to write the comprehension in a proper way. First of all, you have to read the comprehension properly. After this, you have to learn question answer and give the answer yourself. Now we are going to start reading of this comprehension. Worksheet second, rice is nice. The Chinese proverb, without rice, even the cleverest woman cannot cook. एक प्रोवर्ब है चाइनीज की, बिना राइस के कितनी भी चालाक और समझदार औरत क्यों ना हो, वो कुक नहीं कर सकती. इट्स ट्रू फॉर इन्यूमरल इंडियन टू, बहुत सारे इंडियन के लिए भी सही है. ईटन सिंपली बॉइल्ड राइस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल डाइट, बहुत सारे लोगों की पूरे वर्ल्ड में ये मेन डाइट है. इट्स ऑल्सो हैड अ डेलिक्लेबल पुलो बायरानी इडली एम्पा पुडिंग और खीर, तो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो इससे बनाई जाती हैं. एंड द ग्रेन इज़ अवेलेबल इन अ माइरेड ऑफ वेराइटीज़ दी ओल्ड वर्ल्ड ओवर, तो पूरे वर्ल्ड में ये मिलती है. कॉन्ट्रेरी टू सम अर्बन मिथ्स, साइंटिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट्स नो दैट राइस इज़ गुड फॉर यू. कहते कुछ शहरी लोगों को छोड़ के, साइंटिस्ट को छोड़ के और कुछ डाइट एक्सपर्ट को छोड़ के, सब लोग मानते हैं कि जो चावल है एक अच्छी चीज़ है. एंड कांट मेक यू हैवियर, और ये हैवीपन नहीं आने देता. इट्स मेनली कंप्राइजेस कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट ऐड किलोज इफ कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन, तो जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो मोटापा नहीं आने देते. एंड एवरेज 100 ग्राम सर्विंग ऑफ राइस हैज़ ओनली अबाउट 0.4 ग्राम ऑफ फैट, सिर्फ इसमें 100 ग्राम में 0.4 फैट होता है, मोर देन 100 कैलोरीज. इनफैक्ट राइस हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम कैलोरीज एज होल वीट एंड हैंस इज नॉट मोर फैटनिंग, तो ये आपको ज़्यादा मोटा होने नहीं देता. इट्स ईजी टू डाइजेस्ट, ईजी है डाइजेस्ट होने में. राइस कैंजी इज देयर फॉर अ होम रेमेडी फॉर डायहोर्सिया, तो ये चीज जो घर पे बनाई जा सकती हैं ये. इनफैक्ट द कांजी विद अ फ्यू accompaniments like coconut chutney, cooked beans makes for a healthy meal that many in Kerala enjoy. बहुत सारे लोग इसको चटनी वगैरह के साथ enjoy करते हैं. Unpolished brown rice may not be as popular as white. जो brown rice है वो इतने popular हमारे यहाँ नहीं है, but is a good source of complex carbohydrates providing starch and fiber. जो येलो राइस हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं स्टार्च और फाइबर. इट टेक्स रिलेटिवली मोर टाइम टू डाइजेस्ट फ्लोइंग द बॉडी टू कंज्यूम द एनर्जी रिलीज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, तो ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं. ब्राउन राइस इज ऑल्सो रिचर इन बी विटामिन, इसमें विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विच मेक इट मोर न्यूट्रिशियस देन वाइट वेराइटीज़, ये मोर न्यूट्रिशियस होता है. हाउएवर वाइट राइस टू हैज कैल्शियम एंड द एसेंशियल बी विटामिन नाइसिन थायमाइन, तो इस तरह के विटामिन चावल में होते हैं, वाइट चावल में. सिंस राइस हैज नो कोलेस्ट्रॉल सोर सोडियम, इसमें कोलेस्ट्रॉल और सोडियम भी नहीं होता. इट इज़ सेफ फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, उनके लिए अच्छा होता है जो ज़्यादा हाइपर रहते हैं, गुस्सा आता है जिनको जल्दी. डायबिटीज हु प्रेफर राइस डेली कुड चूज ब्राउन आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, जो ब्राउन चावल यूज़ करते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके. राइस नीड्स टू बी कुक्ड राइट, इसको सही पकाया जाना चाहिए. वॉश देन सोक द ग्रेन फॉर 15 मिनट्स, इसको वॉश करने का 15 मिनट तक पानी में छोड़ देना चाहिए. बिफोर प्रजेंट कुकिंग इन जस्ट इनफ वाटर दैट वुड हैव स्टीम्ड अवे बाई द टाइम द राइस इज कुक, कुक होने के बाद इसको
बंद कर देना चाहिए, सो दैट यू डोंट ड्रेन अवे वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। इसके पानी को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स सब अंदर रह जाएं, पकने के बाद बाहर ना निकले। अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, बिसाइड्स जस्ट द बॉइल्ड राइस इट इज़ यूज इन मेकिंग, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है आपको लिखना है, स्टैंजा में दे रखा है। राइस मेनली कंटेन, राइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एन एवरेज 100 ग्राम ऑफ राइस कंटेन अप्रोक्सीमेटली डैश कैलोरीज, कितनी कैलोरीज होती हैं ये भी इसमें मेंशन है। कंजप्शन ऑफ राइस इज सेफ फॉर दोज हु सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी, क्यों क्या कंटेन नहीं करता इसके अंदर मेंशन किया हुआ बेटा, ये सब आपको अपने आप करना है। देखिए, सम अर्बन मिथ सजेस्ट दैट राइस, राइस कैसा है आपको ये देखना है, इसमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के बेसिस पे आपको ये करना है। नेक्स्ट देखिए, राइस कांजी इज अ होम रेमेडी फॉर डिहाइड्रो एज इट इज, क्यों है ये, कि देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास, क्या होती है ये तो वो लिखना है। ब्राउन राइस इज मोर न्यूट्रिशियस देन वाइट राइस बिकॉज, रीजन बताइए, टिक करना है इसके ऊपर। वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिटेन्ड इन द कुक्ड राइस इफ, तो क्यों ये ज़्यादा अच्छे होते हैं तो आपको राइट करना है। अब बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट थर्ड। अब वर्कशीट थर्ड में देखिए, कार्डोमन, कार्डोमन होता है इलायची। अब देखिए, कार्डोमन द क्वीन ऑफ स्पाइसेस हैज़ अ हिस्ट्री एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इट इज़ द ड्राइड फ्रूट ऑफ अ हाइबरकोरस पेरिनियल प्लांट, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एंड स्पेशली कल्टिवेटेड एंड प्रोसेसिंग मेथड ऑफ कंबाइन टू मेक इंडियन कार्डोमन ट्रूली यूनिक इन एरोमा फ्लेवर साइज, इट हैज़ अ पैरेट ग्रीन कलर। गर्म जगह पर ये होता है, फ्लेवर होता है, इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है और इसमें पैरेट ग्रीन कलर का ये होता है। टू टाइप्स ऑफ कार्डामोन आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, द फर्स्ट टाइप इज़ द लार्ज वन विच हैज़ नॉट मच सिग्निफिकेंस एज इट इज़ नॉट ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। दो टाइप हैं इसकी, एक तो बहुत बड़ी होती हैं जिसको ज़्यादा मार्केट नहीं मिलती। इट इज़ कल्टिवेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट में होती है। सेकेंड टाइप इज़ प्रोड्यूस्ड इन द साउथर्न स्टेट दैट आर ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट, दूसरी है साउथर्न स्टेट में होती है जिसको मार्केट मिलती है। दीज आर मेनली कल्टिवेटेड इन केरला तमिलनाडु कर्नाटका, तो केरला कर्नाटका और तमिलनाडु में होती है। एज पर द फ्यूचर मार्केट रूल्स ऑन 7 mm क्वालिटी वाज प्रीवियसली ट्रेडेड इन एक्सचेंज बट लेटर इट रिलैक्स इट्स नॉर्म्स एंड नाउ 6 mm क्वालिटी इज ऑल्सो ट्रेडेड इन द एक्सचेंज। तो इसकी जो ये क्वालिटी है बताया जो उन्होंने पिक्चर में दी हुई है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी मानी गई है। कार्डोमन इज एन एक्सपेंसिव स्पाइसेस सेकेंड ओनली टू सैफरन, बड़ा ही महंगा होती है ये, सैफरन के बाद यही सबसे महंगी है। इट इज़ ऑफन एडल्ट्रेट एंड देर आर मैनी इन्फीरियर सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम कार्डामन रिलेटेड प्लांट्स सच एज साइम कार्डामन, नेपाल कार्डामन, रिंग कार्डामन इज नोन इन टू मेन वेराइटीज, की मेन वेराइटीज़ हैं ये मालाबार कार्डामन एंड मैसूर कार्डामन। द मैसूर कार्डामन वेराइटी कंटेन लेवल ऑफ किनोन एंड ल्यूमिनन एंड हैंस इट इज़ मोर एरोमेटिक, तो ये इसकी वेराइटी के बारे में बताया इन्होंने। इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कार्डामम टिल द 1980, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। बाय 1990s गौतमाला एमर्ज्ड एज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कार्डामम। नॉर्थ इंडिया इज द मेन मार्केट फॉर कार्डामम प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, मेन मार्केट है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्मली डोमेस्टिक डिमांड goes up during the major festivals such as Diwali, Dashehra, Eid, color, तो त्योहारों पर इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। कलर साइज एंड एरोमा आर द मेजर वेरिएबल्स दैट शेप कार्डामम प्राइस इन द इंडियन मार्केट, तो इसकी जो शेप है, इसका साइज है, इसका जो टेस्ट है, वो इसके प्राइस को बढ़ा देता है। कार्डामम प्राइस फॉर्मेशन इन इंडिया इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द आउटपुट इन गौतमाला एज दैट कंट्री कंट्रोल्स द ग्लोबल मार्केट, तो कहते यहाँ की जो मार्केट है वो पूरी मार्केट को कंट्रोल करती है। केरला इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम एंड कंट्रीब्यूट्स अप टू 60% इन टोटल प्रोडक्शन, केरला में 60% तक ये होती हैं। कर्नाटका प्रोड्यूस अराउंड 25 कार्डामम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ऊटी इज द मेन प्रोड्यूसर, तो इस तरह से ये सारे इसके प्रोड्यूसर हैं। बिसाइड्स इंडिया
गुतमाला ऑल्सो प्रोड्यूस अराउंड 2200 टन कार्डोमन, तो यहाँ पर 2200 कार्डोमन ही होती है। ऑन द अदर हैंड इंडियन प्रोड्यूसर नियरली 1200 टन कार्डोमन पर ईयर। तो इस तरह से बेटा आपको ये रीड करना है। अब इसके क्वेश्चन देखिए, इंडियन कार्डोमन इज़ यूनिक इन अरोमा एंड टेस्ट बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन, कहाँ ग्रो किया जाता है ये लिखेंगे। द स्टेट्स ऑफ इंडिया वर कार्डोमन इज मेनली कल्टिवेटेड आर, किस किस चीज़ कल्टिवेट किया जाता है। अ स्पाइस दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन कार्डोमन इज, क्या है स्पाइस इससे ज़्यादा महंगे, एक और चीज़ बताई थी सैफरन बताया था ना। दी मैसूर वैरायटी ऑफ कार्डोमन इज मोर एरोमेटिक बिकॉज इट कंटेन, क्या होती है इसके अंदर, ये आप राइट करेंगे। अब उसके बाद देखिए बेटा आप टिक मार्क करने हैं, इंडियन कार्डोमन इज यूनिक बिकॉज, क्यों यूनिक है, इसमें से चूज कीजिए। द ट्रू वेराइटी ऑफ कार्डामोन इज कॉल्ड, ट्रू वेराइटी क्या है कार्डामोन की, देखिए इनमें से कौन सी है। द डोमेस्टिक डिमांड फॉर कार्डामोन इज हाइएस्ट ड्यूरिंग, कब बढ़ जाती है वो लिखिए। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फेस्टिवल के टाइम आया था ना हमारा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामोन इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कार्डामोन का, तो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन योर बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।